हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फॉर्म रहे। मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बता दें, यहां पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रीजन मतलब आपके दिल्ली डेली रीजन के यहां से अप्रेंटिस का फॉर्म निकाला गया है, जिसका स्टार्ट डेट 16 अगस्त 2024 है और लास्ट आपका 16 सितंबर 2024 रहेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, बाकी सबके लिए 0 रुपये फीस होने वाला है। 15 से 24 आपका एज होना चाहिए। आप ओबीसी हैं, SC ST हैं, तो आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगा एज रिलेक्शन में। तो यहाँ पे आपको 10th+ ITI होना जरूरी है अप्रेंटिस के लिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रेलवे से मैं खुद यहाँ पे अप्रेंटिस कर चुका हूँ। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप किसी भी प्रकार से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो मैं सारा डिटेल्स आपको बता दूंगा, इसमें कितना कटाप वगैरह सब कुछ जाएगा। मैं हर चीज़ हर डिटेल आपको बारी बारी से बता दूंगा। तो मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपका अप्लाई करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस 3 डॉट पे आइएगा, ठीक है। 3 डॉट पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट कर लेना, जैसा कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। आप इससे कर लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगा। उसके बाद दोस्तों अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है, उसके बाद ईमेल आईडी लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ कैसे चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पे डे पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आपका डेट है वो आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपका मंथ कौन सा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईयर कौन सा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपका जेंडर मेल है फीमेल, ये आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी आपका जनरल ओड SC ST क्या है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप मान लीजिए जनरल करते हैं तो आपको EWS का भी ऑप्शन यहाँ पे अगर मिलता है तो मिल जाएगा, वैसे EWS का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे अनरिजर्व या SC ST कोई भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आयु फिजिकली चैलेंज, मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप अगर किस शरीर में कोई दिक्कत वगैरह है, सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो आप इस पर करेंगे, इस पर करेंगे नो, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो, यहाँ पे भी नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आपको हर चीज़ डिटेल्स यहाँ पे चेक कर लेना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे ओके करेंगे। अगर आपको कुछ गड़बड़ है तो आप कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेंडिंग मेल फेल, लॉग इन डिटेल्स हैज बीन सेंट योर मोबाइल नंबर, इसका मतलब यह है कि आपका जो है मेल भले फेल हो गया है, लॉग इन डिटेल्स हैज बीन सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर पर आपका डिटेल्स पूरा चला गया है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों यू आर नाउ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड यहाँ पे दे चुका है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के लिए आपको आपको क्या करना है, लॉगिन वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले बटन क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जैसे मेरे मोबाइल पे आ चुका है, यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेंगे। अब दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स अपना आ जाएगा जो आपने भरा है यहाँ पे, फी पेमेंट स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग वगैरह सब यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट है यहाँ पे आपका फीस नहीं लगेगा, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपने जनरल OBC EWS कैंडिडेट है तो आपका यहाँ पे लगेगा फीस। तो यहाँ पे मैंने SC करके भरा है तो यहाँ पे जो पेमेंट एग्जेम्प्टेड मतलब कि फीस नहीं लगेगा। तो फिल एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल अप एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। अब आपको अपना फादर का नाम जो हाई स्कूल की मार्कशीट है सेम वैसे ही लिखना है। नेशनलिटी यहाँ पे आपको इंडियन का ऑप्शन आता है तो इंडियन का ऑप्शन चूज कीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट कौन से हिंदू मुस्लिम सिख क्या है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मास्क क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन मास्क मतलब आपके चेहरे में कोई निशान, जैसे तिल का निशान है फेस पे तो लिख सकते हैं ए मोल मार्क ऑन फेस। एग्जाम्पल तौर पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ए मोल मार्क मार्क ऑन फेस, तो आप ऐसे टाइप कर देंगे, ठीक है। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको सेकंड यहाँ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस लिख लेना है यहाँ पे अपना, अगर आप पहले में क्या लिखेंगे अपने गांव का नाम सैम रहते हैं हाउस नंबर वगैरह करके लिखें, दूसरे में पोस्ट लिखें, तीसरे में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं UP से UP सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सिटी क्या है तो सिटी आप यहाँ पर जो भी सिटी है आपकी वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे। जैसा मेरा यहाँ पे ये है तो मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया है।
पिन कोड क्या है यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे मेरा यहाँ पे पिन कोड ये है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ट्रेड की योग्यता, ट्रेड की योग्यता पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर इलेक्ट्रीशियन से क्लियर इलेक्ट्रीशियन, फिटर से क्लियर है फिटर, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन सीएन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक कर लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टेट कौन, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है, सॉरी। अब दोस्तों आपको मान्यता मिल जाता है तो आप सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा है, जैसे मैं यूपी एनसीबीटी है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश एनसीबीटी क्लिक कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आ जाता है। ट्रेड में आप जो भी आप जैसे इलेक्ट्रीशियन के तो इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करेंगे। अब क्लस्टर, आप किस क्लस्टर में यहाँ पे करना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पे आपका जैसे एनआर है दिल्ली के अंदर, अम्बाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लखनऊ से कर रहा हूँ, तो लखनऊ। उसके बाद सेकंड विकल्प यहाँ पे लखनऊ डिवीज़न में देख, जैसे देख सकते हैं रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप यहाँ पे करीज है लखनऊ में, यहाँ पे दो वर्कशॉप हैं, ठीक है। आप जिसमें अगर लखनऊ डिवीज़न करते हैं तो लखनऊ डिवीज़न, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ज़रूर चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूनिट, यूनिट का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि यहाँ पे वो विकल्प नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे आ जाना है। इंस्टीट्यूट में डिटेल्स में यहाँ पे क्लैक कौन सा बोर्ड है हाई स्कूल का ये सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा यूपी बोर्ड है तो यहाँ पे बोर्ड आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो भी ऑप्शन होगा आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे नहीं मिलता है तो लास्ट में होगा, अगर आपका इसमें नहीं है दोस्तों यहाँ पे बोर्ड आप अपना अपने हिसाब से, जैसे मैं यूपी से हूँ तो यहाँ पे यूपी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ईयर आप पासिंग, कौन से ईयर पासे हैं, मार्क्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज सब आ जाता है। तो मेरा मार्क्स है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में अपना पूर्णांक डालेंगे, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में 600 नंबर होता है जो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्टेन में आपने कितना नंबर पाया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे कितना नंबर। उसके बाद आप ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब आईटीआई का यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट का यहाँ पे दिक्कत है कि यार जो सेमेस्टर वाइज हैं सेमेस्टर वाइज चलो ठीक है, जो ईयरली वाले हैं ईयरली वाले कैसे भरें। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक तरीके से बारी पे एग्जांपल तौर पे दिखाऊंगा। यहाँ पे अपना एनसीबीटी एससीबीटी है वो आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे मेरा मान लीजिए मैं एनसीबीटी है, अब मैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे जाता हूँ, ईयर ऑफ पासिंग, मैंने 2018 में पास की, ठीक है, यहाँ पे 2018 में पास की। अब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार लिखा है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने, आप फर्स्ट सेमेस्टर कौन से सन में थे, ठीक है, ये आपको सेलेक्ट कर यहाँ पे एंट्री कर। जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर मेरा था 2017-16-18, तो 2016 में था, ठीक है, 16 में था फर्स्ट सेमेस्टर में कितना नंबर पाया हूँ ये आपको यहाँ पे इंटर डाल देना है। अब इन केस दोस्तों आप मान लीजिए आपने ईयरली हैं तो आप ईयरली वाले क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर इसमें डाल देंगे, सेकंड ईयर इसमें डाल देंगे, ठीक है। वैसे मैं करके ये देख रहा हूँ तो आपको लास्ट में भी बताता हूँ कि होता है कि नहीं होता है। दोस्तों बता दें अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आप चारों सेमेस्टर का डालिएगा अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं। वैसे जो न्यू कैंडिडेट आ गए हैं उनका सिर्फ क्या होता है कि यहाँ पे दो साल का ईयरली होता है। अगर ईयरली आपका होता है ना तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक काम करिएगा, आप यहाँ पे कंप्लीट ईयर लिखिएगा, ठीक है, कौन से सन में आपने फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 2700-3200 ये एंटर कर लेना है फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब कि आप फर्स्ट ईयर यहाँ पे, मेरी बात गौर समझिए कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आप फर्स्ट ईयर का डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आप फाइनल ईयर का डाल दीजिए, आपका दो साल का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल तौर पे मैं सेमेस्टर का मैं दो साल का किया हूँ तो मैं एक ही में डालना चाहता हूँ, तो मैं मान लो फर्स्ट सेमेस्टर डाला, यहाँ पे पासिंग ईयर डाल दिया, यहाँ पे ये फर्स्ट सेमेस्टर, जबकि ये गलत है। तो आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट ईयर इसमें डालना है और सेकेंड ईयर इसमें डालना है, ठीक है। कोपा वाले भी उनका दो सेमेस्टर होता है तो यहाँ पर दो सेमेस्टर यहाँ पे डाल के सबमिट करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे सबमिट करके देख रहा हूँ होता है कि नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव वाले पर हम करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉग आउट हो चुका है, काफ़ी देर से हुआ था, मैं फिर से लॉग इन कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर का यहाँ पे डाला हूँ सेकंड ईयर पे, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे ईयर था। अगर आपका सेमेस्टर वाइज तो यहाँ पे सेमेस्टर डालेंगे। जैसा बहुत लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे मैं सबमिट करके देखता हूँ कि आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है, क्लिक हेयर टू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट जाना है। तो आपको बता दें यहाँ पे अगर आप ईयरली हैं तो आप दो ईयर करके डालिएगा, ठीक है, सेमेस्टर हैं तो सेमेस्टर वाइज डालिएगा, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। उस पर क्लिक हेयर टू डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाना है। डॉक्यूमेंट अपलोड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको पेंडिंग वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ आपको 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। और रिक्वायर्ड के हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, आपका जहाँ भी फोटो हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आप अपलोड कर लीजिएगा यहाँ पे। अगर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे बताइएगा, मैं आपका पूरा फॉर्म भर दूँगा, आपको कोई फीस एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं फोटो अपलोड किया, यहाँ पे डाउनलोड और डिलीट करने का दोनों ऑप्शन है, ठीक है, आपको हर चीज़ यहाँ पे 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट ITI मार्कशीट वगैरह सब हर चीज़ यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। यहाँ पे देगा चूज फाइल करके, आपको हर चीज़ अपलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे मैं लास्ट बताता हूँ कैसे वो आपको सबमिट करना है। 100 डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है क्लिक हेयर टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर देना। अब आपको अपना फॉर्म हर चीज़ तरीके से चेक कर लेना है, कुछ भी गलती हो तो यहाँ पे सुधार सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है आई एग्री, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट वाले बटन पे यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है, आपका ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप इसको डाउनलोड करते हैं, प्रिंट हेयर टू डाउनलोड, तो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया। कुछ भी नहीं समझ में आता है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप मैसेज करेंगे मैं तुरंत आपका रिप्लाई हर चीज़ बता दूंगा और बारी बारी से सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट।